यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पंचायत चौकीदार संघ हिमाचल प्रदेश के ब्लॉक नगरोटा सूर्या और ब्लॉक फतेहपुर के 3 दर्जन पंचायत चौकीदारियों ने पंचायत चौकीदार अध्यक्ष कमल कुमार की अगुवाई में ज्वाली भाजपा विधायक अर्जुन ठाकुर के घर के बाहर मौन व्रत रखकर धरना दिया। इस मौके पर अध्यक्ष कमल कुमार ने कहा कि पंचायत चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार से कई बार मिले, लेकिन सरकार पंचायत चौकीदारों को आश्वासन दे रही है। उन्होंने कहा कि 8 साल तक आने वाले पंचायत चौकीदारों को पार्ट टाइम किया जा रहा है और 8 से 15 साल वाले पंचायत चौकीदारों को वेतन भोगी बनाया जा रहा है और 15 से ऊपर वाले सभी पंचायत चौकीदारों को नियमित किया जाए। इस संबंध में पंचायत चौकीदारों ने एक विज्ञापन ज्वाली भाजपा विधायक अर्जुन ठाकुर को देने आए थे, लेकिन विधायक घर पर मौजूद नहीं थे, इस कारण चौकीदारों को मायूस होकर लौटना पड़ा। तो यही मांग है कि हमारी पॉलिसी बननी चाहिए। हम सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी देते हैं, मात्र हमें 4000 रुपये मिलता है, जिससे हमारे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है और हमें हर मंथ 7 तारीख से पहले तनख्वाह मिलनी चाहिए। अभी हमें 6-6 मंथ से पेमेंट नहीं मिल रही है।